नमस्कार दोस्तों, रॉयल इंडिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक मॉडिफाई बुलेट को दिखाने वाले हैं और आप लोगों को यह बताने वाले हैं कि उस मॉडिफाई कस्टमाइज बुलेट में हम लोगों को कितना खर्च आया और क्या क्या हम लोगों ने आफ्टर मार्केट से लगवाने की कोशिश की। और तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग सिनेमेटिक शॉर्ट्स को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस बुलेट में कस्टमाइज हमने क्या क्या चीज़ें लगाया है। तो सबसे पहले तो सीट कवर से आते हैं। तो सीट कवर हमने आफ्टर मार्केट लगवाया था जो कि हमको लगभग 550 के रुपया के करीब में पड़ा था। और उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मैंने ये रॉयल इनफील्ड का दूसरा वाला स्टिकर लगवाया है। और नीचे आ जाए तो देख सकते हैं कि आप मैंने यह ग्रिल जो है, लाइट ग्रिल, इंडिकेटर ग्रिल, बैक लाइट ग्रिल, ये सभी मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया था। और उसके बाद देख सकते हैं कि मैंने लॉन्ग पंजाब बोटल साइलेंसर भी आफ्टर मार्केट लगवाया था। और उसके बाद आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो ट्यूबलेस का टायर है वो भी मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया। और उसके बाद ये अलाउबिल हम मैंने आफ्टर मार्केट ही लगवाया था। और यहाँ पे स्टिकर स्टिकर का कॉम्बिनेशन मैंने आफ्टर मार्केट दिया था। और आप देख सकते हैं कि मैंने यह लेग गार्ड जो है ये भी आफ्टर मार्केट लगवाया जो कि मुझे तकरीबन वही 850 के करीब में पड़ा था। और इस साइलेंसर पर मैंने साइलेंसर रेप चढ़वाया था कि ये साइलेंसर हीट होने पर नुकसान ना हो। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ऊपर टंकी पे रॉयल इनफील्ड का स्टिकर भी आफ्टर मार्केट लगवाया था। और उसके बाद आगे की ओर आते हैं तो आगे आप देख सकते हैं कि लाइट का टोटल कम्बिनेशन ग्रिल मैंने आफ्टर मार्केट ही लगवाया है। और आपको बता दें कि फ्रंट का टायर जो है वो भी आफ्टर मार्केट है क्योंकि यह टायर जो है ट्यूबलेस है। पहले के मॉडल गाड़ी में ट्यूबलेस टायर नहीं आता था, इसलिए मैंने आफ्टर मार्केट कस्टमाइज़ करवाया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि टोटल फुल्ली लोडेड गाड़ी आप लोगों को दिखला रहे हैं। इसमें कहीं से भी थोड़ा सा भी कस्टमाइज़ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब नॉर्मल कहे या फिर सिंपल मॉडिफिकेशन मैंने इसको रखने के पूरा प्रयास किया है, आप देख सकते हैं। और लगभग इसमें मुझे जो है कि अच्छी खासी खर्च हो गया आप लोगों को दिखा दे, लेकिन बाइक जो है बहुत ही अच्छी मॉडिफिकेशन हुआ, या यूँ कहे कि सिंपल में जो बाइक है बहुत अच्छी मॉडिफिकेशन है। और इस गाड़ी को मैंने पूरा तकरीबन कोशिश किया कि इस गाड़ी को मैं पूरा सिंपल मॉडिफिकेशन करके और सिंपल रखने की कोशिश किया। और आप देख सकते हैं
तो फुली ब्लैक लोडेड गाड़ी है और मुझे ब्लैक गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद था, इसलिए मैंने फुली ब्लैक लोडेड गाड़ी का ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो देखा आप लोगों ने, मैंने एक आप लोगों को रॉयल इनफील्ड 350 क्लासिक दिखलाया था जो कि पूरा कस्टमाइज था। और तो मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।